ओके नेक्स्ट जो है ये 13.4 टू चार्ज रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन यानी फोर्स आपको दी हुई है 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें 5/100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.05 मीटर ये आपके पास इसका उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है। आगे नेक्स्ट पढ़ें आप इसको फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट कहता दोनों सूत्रों में आपने फर्ज करें ये फिर आर वन हो गया यानी आर वन जो है ये आपके पास और आर टू जो है वो इसका सेकेंड पार्ट में इस्तेमाल करेंगे व्हेन द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट यानी आर टू आपके पास क्या है 2 सेंटीमीटर आर टू होगा 2/100 तो ये 0.02 मीटर आपके पास क्यू और क्यू वन जो है ये टू चार्ज रिपेल ईच अदर यानी क्यू वन और क्यू टू आपके पास क्या होगा वो सेम होगा क्यू वन क्यू टू और ये आपने फाइंड करना है क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू और के की वैल्यू आपको आपके जेन में ही है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसमें फार्मूला यूज करें आप आपके पास जो है एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर अभी इसमें वैल्यूज पुट कर दें एफ आपके पास 0.1 है K की वैल्यू है 9×10⁻⁹ Q आपने फाइंड करना है ओवर R स्केल यानी 0.05 R1 पुट करेंगे और 0.5 का स्केल तो ये आपके पास अभी आपने इसको सॉल्व कर लेना है यानी 0.1 इज इक्वल टू 9×10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय क्यू स्केयर ओवर 0.05 का आपने स्केयर लेना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके पास 10⁻³ ये आपके पास इसका स्केयर ये इधर डिवाइड होगा इधर आकर मल्टीप्लाई 0.1×2.5×10⁻³ इज इक्वल 9×10⁻⁹ अभी आप जो है 0.1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.1×2.5 ये आपके पास जो है ये 2.5×10⁻⁴ 9×10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय क्यू स्केयर अभी क्यू स्केयर की वैल्यू है यहां से इक्वल हो जाएगी 2.5×10⁻⁴ ओवर 9×10⁻⁹ अभी 2.5 को आप 9 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास होगा 0.277×-4-9 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर यानी +9 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा ये -9 तो 0.277×10⁻⁹ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अभी एक स्टेप आप अगर पॉइंट उधर के ले जाते हैं तो एक और उसमें से माइनस हो जाएगा तो आपके पास 2.77×10⁻⁴ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अभी आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स का तो ये 2.77×10⁻⁴ इज इक्वल क्यू स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा तो आप कैलकुलेटर की मदद से 2.77 का लेंगे तो ये 1.664×10⁻⁷
ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1.64 मल्टीप्लाई 10^-7 कूलम। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हुआ, और अभी इसका जो है वो सेकंड पार्ट वो अभी सॉल्व करते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है अभी आपके पास अपने जो है पार्ट टू जो है वो आपके पास क्या होगा 0.02 मीटर, और क्यू की वैल्यू जो आपने फाइंड की है वो इस्तेमाल होगी। क्यू की वैल्यू क्या है 1.664 मल्टीप्लाई 10^-7 क्या आती है आपके पास -7 कूलम, यानी कि ये क्यू वन की भी है और ये क्यू टू की भी है। इस सूरत में आपने फोर्स फाइंड करेंगे एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट कर दें, के की वैल्यूज की आपके पास 9 × 10^9 मल्टीप्लाई 1.664 मल्टीप्लाई 10^-7 और फिर ये अगेन आ जाएगा क्योंकि आपके पास क्यू वन क्यू टू एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है ये इसका स्केयर ओवर आर स्केयर। आर यहाँ पर आपने क्या पुट करना, अभी 0.02 का स्केयर। अभी इसको सॉल्व कर लें, 9 × 10^9 मल्टीप्लाई अभी इसका स्केयर लेंगे तो ये आपके पास 2.768 मल्टीप्लाई 10^-14 ओवर 0.02 का स्केयर लेंगे आप तो ये 4 × 10^-4। तो आगे आपके पास जो नेक्स्ट है, आपने 9 × 2.768 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे